नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 5 जनवरी 1955 को गायत्री और प्रोमलेश्वर के परिवार में जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री बनी है। प्रारंभिक शिक्षा घर के नज़दीक के स्कूल में होने के बाद स्नातक की शिक्षा बसंती देवी कॉलेज से हुई है। स्नातक इनका इस्लामी इतिहास में हुआ है। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री चौधरी कॉलेज से ली है। कम उम्र में ही ममता बनर्जी के सिर से पिता का साया उठ गया था। उनकी राजनीतिक यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कई स्थानों पर ये अपने शीर्ष में पहुंची है और कई जगह काफ़ी राजनीति में बुरा दौर भी देखा है। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वर्ष 1970 के दौरान शुरू हुई है। पहली बार वर्ष 1976 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव इन्हें बनाया गया था। ये वो पहला राजनीतिक सफर था जो इन्होंने 1976 में शुरू किया और उसके बाद ये आगे बढ़ता ही रहा। फिर ऐसा कोई भी मूड नहीं आया कभी कि ये फिर पुनः पीछे लौट के आए। शुरुआती राजनीति का शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इन्होंने शुरू की थी और फिर आगे जाके अपनी अलग एक पार्टी भी बनाई है। वर्ष 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव हो रहा था तो उसी दौरान ममता बनर्जी पहली बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होके इसी दौरान उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव बनाया गया था। 1990 में पश्चिम बंगाल की युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी दोबारा लोकसभा के लिए चुनकर आई। नरसिम्हा राव की सरकार में वर्ष 1993 में ही पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री का इन्हें दर्जा दिया गया। बतौर राज्य मंत्री इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला है। वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर 1998 में ममता बनर्जी ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसकी पहली अध्यक्ष भी बनी। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल के दौर में सत्ता में आई पहली बार एनडीए सरकार ने की सरकार में 1999 में 13वीं लोकसभा में ममता बनर्जी चुनकर आई और 2001 में अटल बिहारी के नेतृत्व वाली सरकार में इन्होंने पहली बार रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। ये वो पहला दौर था जब ममता बनर्जी के पास कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो या कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। रेल मंत्रालय उन्होंने दोबारा जो संभाला 2011 की मनमोहन सरकार में भी उनके पास रेल मंत्रालय ही था। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो रेल मंत्री के ही रूप में कार्य कर रही थी। वर्ष 2007 और 8 के दौरान ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आई जब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने भूमि अधिग्रहण पॉलिसी के तहत किसानों से सिंगूर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा था, जिसके लिए बंगाल की वामपंथी सरकार ने किसानों से 997 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था। सिंगूर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है। यहाँ पर टाटा मोटर अपना नैनो प्रोजेक्ट की फैक्ट्री लगाना चाह रही थी और ये $25,000 का इन्वेस्टमेंट होना था। सिंगूर में अत्यधिक विवाद होने के कारण टाटा ने वर्ष 2008 में अपनी फैक्ट्री यहाँ खोलने का इरादा से पीछे हट गए। वर्ष 2016 में सिंगूर में की गई अधिग्रहित भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वापस किसानों के बीच में वितरित करने के लिए आदेश दिया है। 9,117 किसानों को ये भूमि वापस की गई। पूर्वी मिदनापुर का नंदीग्राम मानो
ममता बनर्जी के लिए संजीवनी के रूप में काम किया। नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र विवाद 2007 से शुरू हुआ, जहां पर पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार एक इंडोनेशियाई कंपनी को ठेका देने के लिए दे रही थी, जिसमें केमिकल हब बनाया जाना था नंदीग्राम को। सरकार इसके लिए 10,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करना चाहती थी, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया और एक विरोध के लिए एक अपनी एक समिति का गठन किया और समिति का नाम था भूमि रक्षा समिति। भूमि रक्षा समिति को समर्थन माओवादी कर रहे थे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और एक नया नारा गढ़ा, माँ माटी और मानुष का। माँ माटी और मानुष का ये नारा चुनाव प्रचार में अच्छी तरीके से बनाया गया और पहली बार पूर्वी मिदनापुर जिला परिषद में 53 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को वर्ष 2008 के इस चुनाव में 35 सीटों पर जीत मिली। ये वो पहला समय था जब बंगाल के अंदर किसी गैर वामपंथी सरकार को इतनी ज़्यादा सीटें मिली थी। 2008 के बाद ये दौर रुका नहीं। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में 34 वर्ष से चली आ रही बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी। 2011 के असेंबली चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 294 सीटों में से 184 सीटें मिली और वामपंथी सरकार मात्र 40 सीटें लेकर तीसरे स्थान पर रही। विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे लंबे समय तक अगर कोई वामपंथी सरकार रही तो वो पश्चिम बंगाल है। 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का शासन रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है वामपंथियों का। ममता बनर्जी का जीवन में कई विवादों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा है, किसी न किसी तरीके से उनसे संबंधित रहे हैं विवाद। इनमें शारदा स्कैम घोटाला है, फेक पीएचडी कंट्रोवर्सी है। जब पहली बार 1991 में दावा ममता बनर्जी करती थी कि उन्होंने पीएचडी की हुई है ईस्ट जॉर्जियन यूनिवर्सिटी यूएसए में, लेकिन बाद में वो फिर पता चला ये यूनिवर्सिटी फेक है तो उन्होंने ये नाम लगाना बंद कर दिया। रोज वैली स्कैम में भी उनका नाम आता है और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो तहलका न्यूज़ मैगजीन के द्वारा कराया गया था, इसमें तो ममता बनर्जी ने जांच के लिए केंद्र सरकार से जब पश्चिम बंगाल सीबीआई भेजी गई तो उन्होंने सीबीआई को ही अरेस्ट कर दिया। ममता बनर्जी को लिखने का भी शौक है, उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी है। बंगाली में लिखी किताबें माँ माटी मानुष है, जनता दरवे है, उपलब्धि है, मातृभूमि जागो बंगाल। अंग्रेजी में स्माइल है, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब ये जानना रोचक हो गया है कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव बंगाल में होने जा रहा है उसमें किसकी सरकार बनती है। क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होती है या नहीं। ये अगर आपको रोचक जानकारियों की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।